दिल्ली के अलीपुर इलाके में आज एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अब तक 9 लोगों को मलबे से निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार ईंट की दीवार गिरने से मलबे को हटाने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में जेसीबी मशीन को काम पर लगाया गया। केजरीवाल ने हादसे पर जताया दुख। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हादसे के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अलीपुर में दुखद हादसा हुआ। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मैं स्वयं राहत कार्य पर नजर बनाए हुए हूँ। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले भी आज सुबह 5:30 बजे करीब दिल्ली के कन्नाट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। दीवार कैसे गिरी, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिश का मौसम है और ऐसे में इस तरह की इमारतों या निर्माण के दौरान जरा से लापरवाही और हादसों को निमंत्रण दे सकती है। 2 दिन के अंदर ये दूसरा हादसा है। इससे पहले भारी बारिश के बाद नानापेट इलाके में एक चिरशेड वाड़े का एक हिस्सा गिरने से लोग घायल हो गए और दीवार एक घर पर गिरी जहां 4 लोग मौजूद थे। 2 लोगों को बचा लिया गया जबकि 2 लोग घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।